राजपुर नगर में ईद मिलाद उन पे जुलूस के दौरान मारपीट पत्थरबाजी करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को विभिन्न धाराओं में राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजपुर नगर में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान मारपीट पत्थरबाजी करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को थाना राजपुर पुलिस ने आज राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चल रहे आरोपी अब्बू उर्फ अबरार पिता अकबर खान 33 वर्ष निवासी राजपुर व आलिशान पिता याकूब उम्र 22 वर्ष बड़वानी रोड राजपुर को आज गिरफ्तार किया गया है और जिनके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और जिसके बाद दोनों को बड़वानी केंद्रीय जेल भेज दिया गया। वहीं राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि फरियादी धीरज पिता शरद जैन निवासी बड़वानी रोड राजपुर ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर 2021 को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकल रहे थे और उसी दौरान आरोपी अब्बू उर्फ अबरार एवं आलिशान पिता याकूब सहित 9-10 लोगों ने जुलूस निकालने की बात को लेकर अन्य लोगों के साथ में मारपीट की थी एवं पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया था। दो आरोपियों को पकड़ा गया। यह पिछले दिनों ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई थी और उसमें 9 आरोपियों के खिलाफ नामजद धारा 307 147 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसमें दो आरोपी अब्बू उर्फ अबरार और आलिशान ये दोनों फरार चल रहे थे। SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश थे कि इनको तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाए। सर के निर्देशन के पालन में आज एक टीम बनाई गई थी और सूचना के आधार पर अब्बू उर्फ अबरार और आलिशान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करने पर इनको जेल भेज दिया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजपुर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।